नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच पंजाब से आई है जहरीली शराब ने कोहराम मचाया है। 48 घंटे में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। अमृतसर, तरनतारन और बटाला तीनों शहरों में मातम पसरा हुआ है। पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और जिन गांव में नकली जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वहां लोगों का आरोप यह है कि नशे का ये कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है और वो भी पुलिस की सांठगांठ के बीच। शराब माफिया के शिकंजे में पंजाब, तीन जिलों में मौत का तांडव। जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत, 48 घंटे के अंदर पंजाब के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। ये सिलसिला 29 जुलाई की शाम से शुरू हुआ। सबसे पहले अमृतसर के मुच्छल गांव में 5 लोगों की मौत की खबर आई। इसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक 38 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार देर रात तक अमृतसर में जहरीली शराब 10 लोगों की जान ले ली। बटाला में 9 लोगों की मौत हुई जबकि तरन तारन में मरने वालों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया। मामले की जांच के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने एक एसआईटी गठित की और नकली शराब बना रहे हर ठिकाने को खोज निकालने के आदेश दिए। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस हरकत में आई। थाना तरक्कीस के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस ने 8 लोगों को धर दबोचा। पुलिस एक्शन में है, लेकिन पुलिसिया चौकसी की दास्तां भी सुनिए। मुच्छल गांव में जिन लोगों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। आरोप है कि गांव के कई घरों में नकली शराब बनती है और बिकती भी है, वो भी पुलिस की साठगांठ से। एडे वड्डे पद्धर ते शराब बेचनी, एडे वड्डे पद्धर ते कारोबार करना कोई सियासी बंदियां दी बड़ी वड्डी शह हो सकदी आ। जिहड़ा पुलिस ने कल तक कोई कार्रवाई नहीं कीती। 5 कवे दारू पीती आ ते 5.5 उहनां दी मौत हो गई आ ते दारू दे विच उहनां ने कुछ मिसल गोलियां गालियां पाईआं। जिन घरों में मौत का मातम है वहां लोग कह रहे हैं कि नकली शराब आज से नहीं बल्कि लंबे समय से बिक रही है। सवाल यह है कि नाक के नीचे चल रहे जहर के इस कारोबार की भनक आखिर पंजाब पुलिस को कैसे नहीं लगी। जगदीप सिंह, विशंबर बिट्टू, अमित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ अमृतसर के एक गांव में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई। अब इस गांव में मातम पसरा हुआ है, एक भी घर में चूल्हा नहीं जला, कई मासूम बच्चे इस गांव में यतीम हो गए। अमृतसर के मुच्छल गांव में जहरीली शराब ने कई घरों को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो पाएगी। इस मासूम को देखिए जो अपने पिता की फोटो गोद में लेकर बैठी है। जोगवीर सिंह के बेटा बेटी को शायद पता नहीं कि उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। जोगवीर की पत्नी विकलांग है और घर में अब कमाने वाला कोई नहीं। एक ही गांव में अवैध शराब की वजह से 11 लोग काल के कपाल में समा गए हैं। सरकार और प्रशासन रस्में अदाएं कर रहा है और यहां पर हालत देखिए, छोटी सी इस मासूम को आप देख सकते हैं जिस फोटो को कलेजे से लगाकर बैठी है। शायद इसे नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और पिछले 24 घंटों से इन घरों में चूल्हा तक नहीं जला है और जो घरों में कमाने वाले थे ऐसे लोग शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। मुच्छल गांव के कई घरों में ऐसा ही मातम है। 24 घंटे से यहां किसी घर में चूल्हा नहीं जला। लोग गांव की चौपाल पर जमा हैं। हर घर में या तो किसी ने जान गंवाई है या फिर कोई अस्पताल में दाखिल है। घरों में सन्नाटा है। गांव की चौपाल पर ही कहने भर को कुछ खाना बन रहा है। जहरीले शराब से इस गाँव के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खाना कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये खाना देखो कि पता जी 150 बंदा खा सकता जी, 300 बंदा खा सकता। तो गांव में किसी के घर खाना नहीं बन रहा? नहीं बन रहा जी, इन्हें होया नहीं बनाना जी। तो जिस गांव में दर्जन भर मौत
24 घंटे में हो जाएं, उस गांव में आखिर चूल्हा कैसे जल सकता है। ये गांव के वो लोग हैं जो सभी के लिए यहां पर खाना बना रहे हैं और शायद कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को खाना खिला दिया जाए जो पिछले 24 घंटों से अन्न का दाना जिन्होंने नहीं देखा है। अवैध शराब पर काबू करने के बड़े वादे अमरिंदर सरकार ने किए थे, लेकिन जमीन पर उन वादों की हकीकत मुच्छल जैसे गांव की त्रासदी साफ बयान कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वादा था कि सरकार बनते ही पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। किस तरीके से हुआ है? पिछले 24 घंटों में 30 से ज्यादा मौतें अमृतसर, तरन तारण और बटाला में हो चुकी हैं और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार अभी भी अपने दावे पर कायम है। लिहाजा हर हादसे की तरह यहाँ पर भी जांच आयोग बना दिया है। इसकी रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, ये हर कोई भली भांति जानता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार और सहयोगी अमित शर्मा के साथ सतेंद्र चौहान, अमृतसर आज तक। नोएडा में एक निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल इमारत गिर गई, जिससे 2 लोगों को की मलबे में दबकर मौत हो गई और 3 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लोगों की मौत पर शोक जताया और हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। नोएडा के सेक्टर 11 में शुक्रवार की शाम ये इमारत अचानक जमींदोज हो गई। 5 लोग इस निर्माणाधीन इमारत में प्लंबिंग का काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए। गनीमत रही कि एनडीआरएफ और दमकल की टीमों ने वक्त पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू कर दिया। मलबे से काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, हालांकि इनमें से 2 ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इमारत के मालिक आर के भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि सब कुछ मजबूत था, फिर पता नहीं कैसे इमारत गिर गई। मैं तो यहाँ था ही नहीं, हादसे का कोई कारण नहीं था, सब कुछ मजबूत था। इतने मोटे मोटे गर्डर लगे हुए हैं, लेकिन होनी को कोई टाल सकता है क्या? पुलिस भी फिलहाल हादसे की ठीक वजह नहीं बता पा रही है। उसका कहना है कि जांच के बाद ही वजह पता चलेगी। बिल्डिंग कलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लंबिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। जो ठेकेदार प्लंबिंग का काम कर रहा था वो भी हादसे में घायल हो गया। हादसे के बाद रेस्क्यू पर लखनऊ से भी नजर रखी जा रही थी। खुद सीएम ने घायलों के इलाज का ठीक इंतजाम करने को कहा। इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि मजबूत गर्डर पर अगर इमारत खड़ी थी तो ये आखिर गिर कैसे गई? नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, आज तक। 17 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार विश्वास मत पेश करने की तैयारी में है, लेकिन सत्र से पहले नंबर गेम पर आंच न आ जाए और इसी के लिए उन्होंने अपने समर्थक विधायकों का ठिकाना बदल दिया है। सोने जैसा दमकता ये किले नुमा आलिशान होटल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सिपह सालारों का नया ठिकाना है। अगले 15 दिन सारे विधायक जैसलमेर के इसी सूरतगढ़ पैलेस में बिताएंगे, क्योंकि 15 दिन का वक्त लंबा होता है और अशोक गहलोत को चिंता खाए जा रही है कि विधानसभा सत्र की तारीख आते आते कहीं उनके खेमे में सेंधमारी न हो जाए। लिहाजा जयपुर के होटल में कई हफ्तों से डटे विधायकों को हवाई जहाजों में बिठाकर जैसलमेर पहुंचा दिया गया। हम लोग जा रहे हैं, सारे विधायक साथी जा रहे हैं। हम राजस्थान छोड़ने वाले नहीं हैं, राजस्थान छोड़ने वाले नहीं हैं, राजस्थान के किसी कोने में जा रहे हैं। आपको सब डेमोक्रेसी सेव करने के लिए, डेमोक्रेसी सेव करने के लिए, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। राजस्थान लोकतंत्र को बचाएगा, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को। अभी तो 109 नहीं है, पर हमारे पास में 109 जरूर आएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है और गणित कोई बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। ये अशोक गहलोत है, चाणक्य है और आपको पता है जादूगर है, तो जादूगर तो जादू से वोट ले लेता है। विधायकों के जयपुर से रवाना होने से लेकर जैसलमेर पहुंचने के बाद तक गहलोत केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद हमलावर रहे। उन्होंने सीधे नाम लेकर आरोप जड़ा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश रची जा रही है। आप रात दिन जागते हुए सोते हुए
सोचो किस प्रकार में गवर्नमेंट को गिराओ, सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश में, डेमोक्रेसी बचे। बीएसपी से आए 6 विधायकों का मामला भी हाईकोर्ट में है। गहलोत को इस मामले में भी अपना नंबर गेम बिगड़ने की आशंका है, लिहाजा बीजेपी और बीएसपी दोनों पर भड़ास निकाली। बीजेपी ने टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों का रातों रात विलय करवा दिया, वो तो सही है, और राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय गलत है, तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया। बहन जी को बीजेपी ने आगे कर रखा है और उन्हीं के इशारे पर वो बयानबाजी कर रही हैं। हमारा डांका क्यों डाला, हम तो उनके समर्थक थे, 10 साल केंद्र में उनकी सरकार को सपोर्ट करा, हमारा डांका क्यों डाला। कांग्रेस की फितरत यही है, धोखा देना और पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय करना और उनके हकों को छीनना। उधर विरोधी खेमे यानी पायलट गुट के दरवाजे पर एसीबी ने फिर से दस्तक दी। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए पहुंची एसीबी टीम को मानेसर के होटल में एंट्री तो मिल गई, लेकिन दोनों विधायक नहीं मिले। लेकिन राजस्थान की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में एक दिलचस्प मोड़ ये आया कि होटल में रुके विधायकों के वेतन भत्ते रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।